तो बिल्लू सांडा का रियल नेम नदीम है। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 17 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसने 2008 में पहली बार सुपारी लेकर हत्या का प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाया। पुलिस हिरासत में दिए एक इंटरव्यू में इसने बताया कि संजय दत्त की फिल्म देखने के बाद इसकी भी खलनायक बनने की इच्छा जागी। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का नामी गैंगस्टर बनना चाहता था, इसीलिए यह हत्या, अपहरण और रंगदारी के धंधे में घुस गया था। इसे बचपन से ही गैंगस्टर बनने की इच्छा थी। इसका बाप भी अपने समय का एक बदमाश था। बिल्लू सांडा द्वारा किए गए अपराधों में फरवरी 2015 को आलम चौकीदार की हत्या, मई 2015 में 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर मंडी कोतवाली निवासी इस्तिकार का कत्ल तथा जून 2015 में खजूरकला निवासी अमजद की हत्या शामिल है। मेरे झुटके लड़के अंदर पड़े, अब तुम्हें सच्चाई बताऊं, जिन्हें थाने के सामने गोली मारी वो मेरा चेला है। बहुत मजा इसके बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 17 महीने जेल में रहने के बाद भी जब इसकी बेल नहीं हो पा रही थी तो इसने बेल के पैसों का इंतजाम करने के लिए जेल से भागने का प्लान बनाया। और 4 जनवरी 2017 को जेल की रोशनदान तोड़कर 4 अन्य कैदियों के साथ जेल से फरार हो गया था। इसके बाद एसएसपी ने बिल्लू सांडा पर 12,000 तथा 4 अन्य कैदियों पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। जेल से फरार होने के बाद बिल्लू सांडा फिर से अपराधों को अंजाम देने लगा। इसके बाद इसने इंदिरा चौक निवासी प्रॉपर्टी डीलर के घर जाकर रंगदारी मांगी थी और पैसा न मिलने के बाद बिल्लू सांडा उस प्रॉपर्टी डीलर को मारने की फिराक में था। उधर पुलिस ने इन कैदियों के फरार होने के बाद शहर में कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया था। एसएसपी भारत सिंह ने फरार कैदियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाकर उनको कैदियों की तलाश में लगा दिया था। इसी बीच पुलिस को बिल्लू सांडा के सबदलपुर तिराहे पे होने की सूचना मिली। इसके बाद थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचकर बिल्लू सांडा की घेराबंदी कर ली। खुद को पुलिस से घिरा पाकर बिल्लू सांडा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी हमला किया और कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बिल्लू सांडा को धर दबोचा। पुलिस को इसके पास से एक बंदूक, 4 गोलियां और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी के बाद इसने बेखौफ अंदाज में कहा कि इसे मर्डर करने में मजा आता है और यह जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। दोस्तों, तो कुछ ऐसी है बिल्लू सांडा की स्टोरी। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए